इस वक्त हम मौजूद हैं औरंग टाउन 10 सितंबर पर यूसी 20 के वाइस चेयरमैन नदीम नूर खानजादा साहब के साथ। नदीम खानजादा भाई इस वक्त बारिश के अंदर काम करा रहे हैं, आइए उनसे कुछ बात करें। नदीम भाई, इतनी बरसात में आप काम कर रहे हैं, आपके जो मुश्किल दरपेश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम बहुत कोऑपरेट कर रही है हर तरीके से, जहाँ पे भी काम हो रहा है अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरी यूसियों की नस्बत मेरी यूसी जो है वो कदर बेहतर है, तो उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दो महीने पहले भी इकदाम के तहत मैंने तकरीबन अपना तमाम नाले जो है ना साफ करा दिए, तकरीबन एक नाला जो है ना वो रह रहा है, उसके लिए भी कुछ तजावीजात हैं, इंक्रोचमेंट हैं जिसकी वजह से वो रुक गया। अब आवाम की सपोर्ट के साथ उसको भी हम काम कराएंगे इंशाल्लाह, और काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। आवाम की मदद चेयरमैन साहब को माशाल्लाह का बजट मिला, और बजट के हवाले से क्या कहते हैं औरंगजेब में लगता हुआ कि दिख नहीं रहा, आप क्या कहते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट बैंक के अंदर ओजीटी का हिसाब किताब है वो ऑलरेडी 24 करोड़ रुपये आ रही है, और 24 करोड़ में से 16 से 17 करोड़ रुपये तनख्वाह में निकल जाते हैं, बाकी हमारे पास तरक्याती फंड 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपये बचता है। अब 7 करोड़ में आप ये समझ लें पूरा DMC वेस्ट किमाड़ी से लेकर सोजानी तक हम किस तरीके से मैनेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इजहार भाई इसको बहुत एक्शन तरीके से और बहुत खुश उसलूबी के साथ चला रहे हैं कि हमारे पास 32 अरकान जो है वो मुत्तहिदा कौम मुमिन पाकिस्तान के हैं और बाकाया जो है अपोजिशन के अंदर है, उसके बावजूद हमारा काम जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हमारी टीम ने मदद किया, उसके बाद हमें ये पता चला इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग आपसे नाराज़ आकर क्यों? देखिए लोगों के अंदर कुछ प्रेस्ट्रिक्शन हैं, अब हर आदमी को तो कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें हैं पर वो पहले गुस्से का इजहार कर रहे हैं, पर जब उनसे बात की जा रही है उनको समझाया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से।